उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज पर अब विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी सवाल उठाने लगे हैं। ऐसा करने वाले कुछ विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं तो कुछ ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में हुई मौत के मामले में पुलिस ने सानू खान नाम के एक आरोपी को कथित तौर पर बचाने की कोशिश की तो मामले पर योगी के गढ़ गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। हालांकि कुछ ही देर बाद डीजीपी का कॉल उनके पास आया जिसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल ने दोबारा ट्वीट कर लिखा, मामले डीजीपी के संज्ञान में है, देखना है कि कार्रवाई में क्या प्रगति होती है। उधर सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने ब्राह्मणों के मामले पर पार्टी और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में सूबे में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर सवाल किया है। इसके लिए विधानसभा में प्रश्न के लिए आवेदन देकर पिछले 3 साल में कितने ब्राह्मण की हत्या और इन मामलों में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई इसकी जानकारी मांगी। सुल्तानपुर की लभुआ सीट से पहली बार विधायक बने देवेंद्र हाल ही में तब खबरों की सुर्खियों में आए जब वो बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी के समर्थन में अलीगढ़ गए थे। सीतापुर शहर सीट से विधायक राकेश राठौर के अपनी ही सरकार से नाराज रहने के चर्चा आम है। पिछले कुछ समय में वायरल हुई उनके ऑडियो इस बात के खुले प्रमाण है। इसमें से एक ऑडियो को लेकर पार्टी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। दरअसल राकेश राठौर ने बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता से पीएम मोदी के थाली बजाओ कार्यक्रम का मजाक बनवाया था जिस पर उन्हें नोटिस भेजा गया था। गोमाऊ विधानसभा के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश लगातार सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार की घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट मामले में उन्होंने सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे और लिखा है कि अपने समय और स्वाभिमान की रक्षा के लिए विधायकों को थाना और अधिकारियों के पास नहीं जाना चाहिए। हरदोई से बीजेपी सांसद जयप्रकाश रावत ने अपनी निधि से वेंटिलेटर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। वेंटिलेटर की समस्या को लेकर सांसद के एक समर्थक ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा। इसी पोस्ट पर गोमऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कमेंट करते हुए लिखा, सब कमीशन खोरी के भेंट चढ़ गए हैं। विधायक के कमेंट के बाद सांसद जयप्रकाश ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि मैंने अपनी निधि इस शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, निधि कहां गई पता नहीं। इतना ही नहीं, सांसद ने लिखा कि जब ऊपर से यह निर्देश होगा कि अधिकारी अपने विवेक से काम करे तो हमको कौन सुनेगा, हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की। हालांकि सांसदीय कार्यालय मंत्री सुरेश खन्ना ने सफाई देते हुए कहा कि कोई सांसद विधायक नाराज नहीं है, हम लोग का उद्देश्य जनसेवा करना है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लोगों की आर्थिक सहायता की, करोड़ों लोगों को मुफ्त खाना दिया, प्रवासी मजदूरों की मदद की। अगले विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, सभी विधायक एकजुट दिखेंगे। नाराजगी की ये बात सिर्फ मीडिया की उपज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।